वेलकम गाइस, आज आप सभी का स्वागत है गेम नमाल यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आज अपन लोग खेलने वाले इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का गेम प्ले, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, पर हम आज इसके अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन से ट्रेन आने वाली है। इसमें जल्दी ही इसका अपडेट आएगा रदन गेम्स की तरफ से। तो जो कि इधर देख सकते हो, ये जो आदमी चल रहा है सीढ़ी पे, तो इधर लोकल ट्रेन सिमुलेटर का है, जो कि अभी तक अनलॉक नहीं दिख रहा है इसमें दोस्तों, जो कि मैंने खोजा भी है, पर लोकल ट्रेन सिमुलेटर का मुझे नहीं मिला। अगर मिलता है तो मैं उसका गेम प्ले का वीडियो जरूर निकालूंगा। तो अभी जो कि इसमें अपडेट की बात करते हैं, चलिए। तो जो कि चैनल पर नए तो दोस्तों लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, अगर ग्राफिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो टाइम अपन रख देते हैं इवनिंग का, नहीं मॉर्निंग का, नून का रख देते दोस्तों, जो कि इसका अपडेट आने ही वाला है जल्दी। तो ICF, AC ये सब दिख रहा है अभी, तो आपको मैं WDM ले लेता हूँ। लेंथ 7 रखते हैं और मस्जिद से सैंडरेस्ट रोड जाना है। तो इसका अपडेट जो कि आने ही वाला है जल्दी दोस्तों। कौन सी ट्रेन का आने वाला है? वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी ही आने को देखने वाली है। जल्दी इसमें आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का अपडेट मिल सकता है अपने को। तो अपडेट आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ला जा रही न्यू लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 ही लोकल 8:11 कार्गो लाइन से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली न्यू लोकल है। लोकल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 E811 स्नो लोकल फॉर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 6:13 की कार्गो लाइन से पनवेल जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल है। ये लोकल सभी स्थानों पर रुकेगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक आपका फोन 2 GB रैम का है या फिर उसमें थोड़ा लैग होता है ट्रेन सिमुलेटर, तो उसकी स्पीड मतलब जो कि उसका ग्राफिक्स कम कर दिया का। तो देख सकते हो भाई AC 3rd टायर जो कि अपनी बहुत सही गाड़ी है। तो अप्रोचिंग डेस्टिनेशन आ गया फ्रेंड्स। तो जो कि हमारी स्पीड लिमिट, अगर दोस्तों इस गेम में एक प्रॉब्लम है कि आपकी स्पीड लिमिट बढ़ जाती है ज़्यादा, तो स्पीड लिमिट बढ़ जाने के कारण जो कि ट्रैक्स चेंज होते हैं, तो ट्रैक्स चेंज होते तो ट्रेन हिलने लगती है और सडनली ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। होता है जब ट्रेन पटरी बदलती है, तो दोस्तों यही प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। तो भाई देख सकते हो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ
हमारी ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी दोस्तों, इधर क्योंकि स्पीड डाउन कर देता हूँ लो। तो अपनी ट्रेन आ गई है फ्रेंड्स, आ गई ट्रेन, जो कि अपनी ट्रेन चढ़ चुकी है प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म जो कि सैंडर्स रोड अपना मुंबई का ही प्लेटफॉर्म है, जो कि ये प्लेटफॉर्म हवा में बना देख सकते हो भाई, ट्रेन आसमान में जा रही भाई। तो अभी भी थोड़ा स्पीड चाहिए, तो नीचे देख सकते हो दोस्तों, नीचे एक और रेलवे स्टेशन है, जो कि मैं आपको बता दूँ ये एकदम रियल दिया है, ये सच बात है दोस्तों मुंबई में की सैंडर्स रोड हवा में बना है और रियल ट्रेन। तो नीचे जाके मैंने ब्रेक सप्लाई कर दिए, देखिए ट्रेन का क्या हालत है। अब आगे बढ़ाता हूँ, तो बैक जा रही ट्रेन दोस्तों, जो कि तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन जो कि बैक ही जा रही, पता नहीं क्यों कोई तो गेम में प्रॉब्लम है लग रहा है। देख सकते हो फुल ब्रेक लगा दिया अब मैंने, तो भी फ्रेंड्स ट्रेन को पीछे ही दौड़ना है भाई, क्या हो गया पता नहीं, गेम में प्रॉब्लम है लग रहा है ट्रेन में अपने कैमरे। Thank you.
प्रॉब्लम इस गेम का मुझे पसंद नहीं है यार, पर गेम मुझे अच्छा लगता है, पर ये प्रॉब्लम ही जल्द से जल्द रदन गेम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो देखो तो यार इसमें डायमंड क्रॉसिंग है कि नहीं मालूम है। सो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि अपना ट्रेन जूमिलेटर का कोच व्यू है भाई साहब। देखो भाई कोच व्यू मुझे एकदम सही लगा, एकदम स्लीपर कोच व्यू है। तो गार्ड वाला कोच देख सकते हो भाई मेरे पास, ये देखो भाई गार्ड वाला कोच देख सकते हो ना भाई आप, गार्ड वाला कोच एकदम सही है भाई। तो जब जो कि टॉयलेट का एरिया है जिसके वॉश बेसिन दिख जाता है लास्ट डब्बे में चीज़ें, तो अपनी ट्रेन जा रही है देख सकते हो भाई। तो देखो ये देखो भाई साहब देखो अंदर का देखो भाई, कार्स में भी दिख रहा है एकदम रियल एसी कोच। तो गाड़ी का नाम क्या देखो अपनी, तो गाड़ी के नाम तो कोच नंबर है B1 आर में चेन्नई एक्सप्रेस है भाई, डबल डेकर एक्सप्रेस ये ट्रेन का। तो डबल डेकर तो दिख ही नहीं रहा भाई कहीं से भी, नाम नीचे लगा का। तो मैंने आपको कोच भी दिखा दिया, इंजन भी दिखा दिया, गार्ड भी दिखा दिया भाई। ये कौन सा डब्बा था भाई, भाई एकदम खाली था भाई भाई साहब। अच्छा ये गार्ड भी था दोस्तों, तो जहाँ पर गार्ड रहता है पीछे लास्ट डब्बे में, तो उधर का एकदम खाली खाली डब्बा था वो इसका भाई वो। तो ट्रेन अपनी बहुत आगे निकल